नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम बहुभुज के बारे में जानेंगे। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। बहुभुज के बारे में जानने से पहले हमें बंद आकृति और खुली आकृतियों के बारे में पता होना आवश्यक है। तो चलिए पहले जानते हैं बंद आकृतियों के बारे में। सरल या वक्र रेखाओं से बनी आकृतियां जो हर ओर से बंद हो, बंद आकृतियां कहलाती हैं। जैसे आपको चित्र में दिखाया गया है, इसमें कुछ आकृतियां सरल रेखाओं से और कुछ वक्र रेखाओं से बनी हैं और ये हर ओर से बंद है, यानी इनके अंदर से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। खुली आकृतियां सरल या वक्र रेखाओं से बनी आकृतियां जो किसी भी ओर से खुली हो, खुली आकृतियां कहलाती हैं। जैसे आपको चित्र में दिखाया गया है कि ये आकृतियां थोड़ी कहीं ना कहीं से खुली हुई है, इसीलिए इन्हें हम खुली आकृतियां कहते हैं। अब जानते हैं बहुभुज के बारे में। तीन या तीन से अधिक सरल रेखाओं से बनी और भुजाओं से घिरी दो आयामी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। सरल रेखाओं से बनी सभी बंद आकृति बहुभुज की श्रेणी में आती हैं। जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, अष्टभुज आदि। बहुभुज के प्रकार। बहुभुज दो प्रकार के होते हैं, समबहुभुज और विषम बहुभुज। समबहुभुज वह बहुभुज जिसमें समान भुजाएं और समान कोण हों, वह समबहुभुज होता है। जैसे आपको चित्र में दिखाया गया है, समबाहु त्रिभुज, वर्ग, समपंचभुज समबहुभुज के उदाहरण है। विषम बहुभुज जिसमें भुजा और कोण असमान हो, वह विषम बहुभुज होता है। जैसे विषमबाहु त्रिभुज, आयत। बच्चों, कोण क्या होता है? किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। कोण बनाने वाली दोनों किरणों को कोण की भुजाएं कहते हैं। अब जरा इस आकृति से समझते हैं। ये दो किरणें BC और BA आपस में जिस बिंदु पर मिल रही हैं, यानी B बिंदु पर, इसे उभयनिष्ठ बिंदु भी कहते हैं, यानी दोनों किरणों का कॉमन बिंदु। यहां पर जो कोना बना है, इसे हम कोण कहते हैं। धन्यवाद।